नमस्कार, आपका स्वागत है एशिया न्यूज इंडिया में। आपके साथ मैं पूनम। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बीते गुरुवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इस घटना के 5 दिन होने के बाद भी वे नहीं दिखे हैं। लंबे समय तक उनकी हेल्थ को लेकर भी कोई अपडेट जारी नहीं किया गया। इस बीच बाइडेन ने सोशल मीडिया पर संदेश जारी कर ये जरूर कहा कि वे अब अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। बाइडेन के ऐलान के बाद से ही उनकी सेहत को लेकर सोशल मीडिया पर कैश लगाए जाने लगे हैं। द डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक न सिर्फ रिपब्लिकन बल्कि डेमोक्रेट्स पार्टी से जुड़े लोग भी आशंका जता रहे हैं कि बाइडेन गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि बाइडेन की हेल्थ तेजी से खराब हो रही है, इसलिए उन्हें जनता के सामने नहीं लाया जा रहा है। रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े कुछ यूजर्स तो ये भी दावा कर रहे हैं कि बाइडेन को बंधक बना लिया गया है। इतना ही नहीं, एक विपक्षी नेता ने तो बाइडेन से उनका जिंदा होने का सबूत मांग लिया। हालांकि इस बीच व्हाइट हाउस ने कहा कि बाइडेन के कोविड से जुड़े लक्षण अब नहीं दिखाई दे रहे। वो 25 जुलाई को देश के नाम संबोधन भी करेंगे। 37 साल की रिपब्लिकन नेता लॉरेन बोएबर्ट ने सोमवार को एक पोस्ट कर सनसनी फैला दी। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के जिंदा होने का सबूत मांग लिया। बोएबर्ट ने लिखा, बाइडेन को कैमरे पर आना चाहिए और खुद के ठीक होने की बात कहनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि बाइडेन को ये पता भी नहीं होगा कि अब वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। बाइडेन विरोधी वामपंथी पत्रकार ग्लेन ग्रीनवॉल्ड ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है कि ये बिल्कुल अजीब था कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया के जरिए चुनाव न लड़ने की बात कही। उन्हें खुद टेलीविजन पर आना चाहिए था या फिर व्यक्तिगत रूप से सामने आकर अपनी बात रखनी चाहिए थी। ग्रीनवॉल्ड ने लिखा कि सोशल मीडिया पर बाइडेन से जुड़ी कई कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी चल रही है। मैं इन चीज़ों को फैलाने में यकीन नहीं रखती हूँ, मगर हाल ही के दिनों में डेमोक्रेटिक पार्टी में जो हुआ है वह ऐतिहासिक है। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक कैंडिडेट जो कि जरूरी डेलीगेट्स का सपोर्ट हासिल कर चुका था, उसने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। अचानक सोशल मीडिया पर एक ट्वीट कर चुनाव लड़ने से इनकार करना और फिर गायब हो जाना अपने आप में अनोखी बात है। अगर उन्होंने खुद ये फैसला किया तो उन्हें लोगों के सामने इसकी जानकारी देनी चाहिए थी। इसी के साथ बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।